अपनी इंग्लिश क्लासेस आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 की चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन आंसर। चलिए करते हैं। ए में है टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट का है हु शॉट ऑफ अ बॉय डिस्क्राइब इन द पोयम। फर्स्ट का आपका हो जाएगा आंसर क्यूरियस। ओके द क्यूरियस लिटिल बॉय उत्सुक लड़का जो था हमेशा क्या बोलता था, वो हमेशा वाय बोलता था। बी नंबर का आपका हो जाएगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट का है नेम अ फ्यू थिंग्स दैट सिंक। ओके जो कौन कौन सी चीज डूबता है। ओके स्टोन स्पून नीडल कॉइंस एंड कीज कैन सिंक। ये सभी जो हैं सब डूब जाते हैं। लिस्ट द सेकेंड क्वेश्चन है लिस्ट थ्री क्वेश्चन दैट द बॉय आस्क। यहाँ तीन क्वेश्चन बताओ जो छोटा लड़का पूछा था। व्हाई वुड शुड स्विम लकड़ी क्यों तैरते हैं। ओके व्हाई वी ईट एंड ड्रिंक हम लोग क्यों खाते और पीते हैं। सी नंबर हो जाएगा आपका व्हाट मेक्स द क्लाउड बादल क्यों बनते हैं। चलिए अब सी नंबर पे। सी नंबर का है राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नोन का अपोजिट आपका अननोन हो जाएगा। स्विम का अपोजिट आपका सिंक हो जाएगा। शाइन का अपोजिट आपका बीम हो जाएगा। ओके हार्ड का अपोजिट आपका सॉफ्ट हो जाएगा। ऑलवेज का अपोजिट आपका नेवर हो जाएगा। शिंक का अपोजिट आपका राइज हो जाएगा। डाई का अपोजिट आपका लिव हो जाएगा। मेक का अपोजिट आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। चलिए डी नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विद रैम विद द कलर्स वर्ड इन द सेंटेंस। ओके आपका व्हाई इज द डैश सो हाई। फर्स्ट का आपका स्काई आंसर हो जाएगा। डू यू नो द कलर ऑफ सो स्नो हो जाएगा। ओके हैव यू फाउंड हु मेड द डैश इसका आपका साउंड हो जाएगा। पुट द ग्लास इन द सिंक आफ्टर यू फिनिश योर मिल्क। ओके चलिए अब ई नंबर पे द स्पेलिंग ऑफ दिस वर्ड आर जंबल पुट देम राइट एंड मेक सेंटेंस योर ओन। फर्स्ट का ओन इसका सही हो जाएगा आपका नॉन हो जाएगा सही नॉन हो जाएगा इसका हो जाएगा आई नो अ क्यूरियस लिटिल बॉय मैं एक छोटे लड़के को छोटे उत्सुक लड़के को जानता हूँ। विश्व का हो जाएगा आपका स्विम। ओके आई कैन स्विम हम तैरना आई कैन स्विम। ओके इसका डील का इसका लीड हो जाएगा लीड इज अ मेटल। ओके उसका प्लांट का जो मार्बल हो जाएगा प्लीज गिव मी मार्बल्स। हिल्स का हो जाएगा आपका हिल्स सही My house is on a hills, मेरा घर पहाड़ों पे है। चलिए अब जी नंबर में डिस्कस एंड राइट व्हाई डू कैट्स डॉग फाइट। आंसर हो जाएगा डॉग एंड कैट्स फाइट बिकॉज दे डोंट लाइक इच अदर। डॉग लाइक्स फ्रेंडली विथ्स के डॉग और कैट और डॉग का फाइट इसलिए होता है क्योंकि दोनों आप पसंद नहीं करते हैं। डॉग्स नॉट फ्रेंडली with cats, okay? बी नंबर है why do you walk across the road not run? आंसर है there are many vehicles on the road in order avoid accident we walk across the road do not run. okay अब चलिए सी नंबर में why do you people like ice cream? People like ice cream because it is called sweet things which makes them happy. ओके राइट डाउन द लिस्ट टू क्वेश्चन यूजिंग व्हाई। व्हाई आर यू स्लीपिंग सो अर्ली व्हाई डू यू लाफ लाउडली। यहाँ में जो क्यूरियस लिटिल बॉय ही इज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन। वन डे ही केम होम एंड आस्क्ड हिज ग्रैंडफादर क्वेश्चन लाइक। कहते हैं राम एक उत्सुक छोटा लड़का है। ही इज ऑलवेज वो हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है। वन डे एक दिन ही केम होम एक दिन जब वो घर आया एंड आस्क हिज ग्रैंडफादर क्वेश्चन लाइक उसने अपने दादाजी से क्वेश्चन किया। ओके व्हाई कांट फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई कांट वी लुक एट द सन ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स। इसका आंसर हो जाएगा वी कैन सी अ स्मॉल पार्ट ऑफ द सन ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स बट इट इज हार्मफुल आवर आईज। ओके व्हाई सेकेंड क्वेश्चन व्हाई कांट वी टच द सन। आंसर है इसका द सन इज सो फार एंड
हॉट वी कैन नॉट टच द सन। ओके, पता है हम लोग सूरज को टच क्यों नहीं, छू क्यों नहीं सकते हैं। इसका आंसर दे द सन इज सो फार, क्योंकि सूरज जो बहुत दूर है एंड हॉट और गर्म भी, वी कैन नॉट टच द, हम लोग इसलिए हम लोग सन को, सूरज को टच नहीं कर सकते हैं। ओके, थर्ड नंबर, व्हाई कैंट वी गो टू आउट टू प्ले इन द डार्क, हम लोग अंधेरे में क्यों नहीं खेलते हैं। ओके, इसका आंसर है वी कांट गो आउट प्ले इन द डार्क बिकॉज वी कैन नॉट सी क्लियरली इन द डार्क। अब यहाँ इसका कह रहा है हम लोग अंधेरे में इसलिए नहीं खेलने जाते हैं क्योंकि अंधेरे में अच्छा से दिखाई नहीं देता है। ओके, चलिए आज वह इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलेंगे इसके आगे चैप्टर में, तक के लिए।